महाराज बहुत ही महान आदमी थे। मैं बहुत संकट में था, मैंने जो मन्नत मांगी वो मेरी मन्नत पूरी हुई, महाराज जी के चरण छू के जाता हूँ। सब गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं मनोज कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज है एक और होने वाली संडे राइड शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस में हम लोग सरिस्का गए थे और सरिस्का में भाई साहब जो पांडुपोल हनुमान मंदिर है हम लोग वहाँ गए थे। काफी बढ़िया वीडियो बने थे और काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था वहाँ का। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा है, जरूर देख लेना। आज का एक छोटा सा राइड वीडियो होने वाला है, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो हमारी नहीं देखी हुई, कोई दादर की डूंगरी है यहाँ पे जयपुर के अंदर, मतलब मेन सिटी से 30 किलोमीटर दूर है। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे अभी सुबह के, अभी 6:30 बजे मतलब 6:15 ही हुए हैं और हम लोग अभी निकल चुके हैं। तो आज हमारे राइड पार्टनर होने वाले हैं, एक तो सागर भैया जो अपनी R15 पे है, और दूसरे जो हमारे पार्टनर है वो कुछ दूर आगे मिलने वाले हैं, जो कि थे शुभम जो हमारे साथ लास्ट समर वाले वीडियोस में गए थे। इसके अलावा एक और पार्टनर है अभिषेक, तो देखेंगे अगर वो मिलता है नहीं मिलता है, हमने उसे बोल तो दिया। ये है सागर भैया अपनी ब्लू R15 पे। हेलमेट को नहीं, चलो यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। या ब्रदर फोटो सेशन सनराइज के साथ फोटो सेशन कंप्लीट। ओके यहाँ पे सनराइज भी हो चुका है और ये एज यूजुअल अपनी मूंगफली के साथ। चलो अब सर लीड करेंगे हमको। जो दादर की डूंगरी हम जा रहे हैं वो एक धार्मिक धाम है और शायद दादू दयाल संप्रदाय या दादू पंथ से रिलेटेड है। ओके तो उन्होंने नाली में गाड़ी कुदा दी, आगे का टायर निकल गया लेकिन पीछे का टायर। वाह, गेहूं के खेत रोड पे घुमाओ, चल लेंगे मजे ले रहा छोरा। सेलिंग करते समय यार घुमाने का मेरे को थोड़ा इतना नहीं है। ओहो काफी हार्ड, बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड सेलिंग करता घुमा रहा है यार। ये क्या मस्ती आ रही है इसको। ओके तो यहाँ पे ये है नादर की डूंगरी, खड़ी चढ़ाई आ गई। वाह किस लोकेशन पे गाड़ी लगी यार। तो ये है यहाँ पे दादर धाम, इधर से ये सीढ़ियों वाला रास्ता है, ये इधर से आता है, मतलब सीढ़ियों से अगर आप पैदल आना चाहें तो यहाँ से होते हुए डायरेक्ट सीढ़ियों वाला रास्ता, ये देखो यहाँ से होता हुआ ऐसे नीचे इधर से आ रहा है जहाँ से अभी अपन पहले दिखाया था। हाल फिलहाल तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर और यहाँ से कुछ शानदार व्यू हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी चलिए थोड़ा सा, मतलब अभी आप अंदर लेके चलेंगे लेकिन उससे पहले यहाँ से जो आपको व्यू देखने को मिल रहे हैं वो आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं। तो वहां पे नीचे जो जगजीवन बाबा थे उनकी जो धुनी है, मतलब जहां पे उन्होंने तपस्या करी थी वो वाली गुफा है शायद। क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो हम थोड़ा सा यहाँ घूमने का पार्ट है वो कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी
और गर्मी बढ़ जाएगी, इस चक्कर में हम लोग मतलब इतना घूम नहीं पाएंगे आसपास के पॉइंट्स पे। आसपास पहले देख लेते हैं कोई बढ़िया बढ़िया लोकेशंस, तो आपको भी दिखा देते हैं। पीछे की साइड तो अभी आप देख रहे होंगे, तो वहाँ तो वो जो मेन का धाम है, और दूसरी साइड से व्यू कुछ इस टाइप से आ रहा है। अभी रास्ता देखो आप, इतना खतरनाक लग रहा है ये रास्ता, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। देखो भाई साहब पूरे मतलब यहाँ पे चारों तरफ नागफनी नागफनी के पेड़ हैं। देखो तो अभी हाल फिलहाल हम क्या जो नीचे यहाँ पे जगजीवन बाबा की जो धुनी है वहाँ पे चल रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी। ये खड़ाऊ है, खड़ाऊ ये लकड़ी के जो चप्पल्स जैसे दिख रहे हैं, ये खड़ाऊ है शायद, हो सकता है इनको चढ़ा के जाते होंगे। यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो बाबा को यहाँ पे खड़ाऊ चढ़ाए जाते हैं लकड़ी से बने हुए। खड़ाऊ चिमटा ये रखे हुए हैं यहाँ पे। गुफा जिसके अंदर उन्होंने तपस्या करी, जगजीवन जी बाबा थे ना, तो यहाँ पे की पूजा करी जाती है। तो जयपुर की जो मेन सिटी है उससे थोड़े से ज्यादा दूर भी नहीं, मतलब पास में अराउंड 30 किलोमीटर पड़ा होगा हम लोगों को यह घर से। अच्छी लोकेशन है, धार्मिक धाम है ये, जो बाबा है उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। और जो ऊपर दिख रहा है वो दादू संप्रदाय, शायद दादू पंथ, दादू दयाल जी थे, उनसे रिलेटेड यहाँ पे धाम बना हुआ है। इस जगह का नाम दादर धाम क्यों है? दादर की तो डोंगरी के हिसाब से, दाद जी आ रहे हैं उनसे पूछते हैं हम। राम साहब दादर गांव से है तो? दादर गांव से, दादर गांव से, जिसे इन्हें दादर की डोंगरी बोलते हैं तो दादू दयाल जी, दादू दयाल जी जो वो मैन थे वो ओपला चेला, ये चेला जा जगजीवन जी। तो अरे तपस्या कर रहे थे मैं वो चीज यहाँ पे, तो काफी अच्छी लोकेशन है, आप लोग भी आ सकते हैं। जैसे धूप के अंदर या गर्मी के अंदर आओ तो थोड़ा सा जल्दी आना, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर गर्मी की समस्या रहेगी। तो हम लोग जैसे अभी टाइम करो तो अभी 7:45 ही हुए हैं, और लेकिन यहाँ पे जो धूप है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे विश्वदेव जी हैं, जो कि इस धाम के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें। तो विश्वदेव जी, राम राम साहब। राम राम साहब। हाँ, तो कारना क्षेत्र में आता है, छोटा सा ग्रामीण गांव है। महाराज बहुत ही महान आदमी थे, और ये लाखों की संख्या में आते हैं, पूर्णिमा को लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा, कौन सी वाली पूर्णिमा, कौन से महीने की? कोई सी भी पूर्णिमा, हर पूर्णिमा, हर पूर्णिमा को जो इनकी श्रद्धा रखते हैं, जो मांगता है वो मिलता भी है। कीमते चढ़ा के जाते हैं लोग, ये खड़ा हो के जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मैं यहाँ से कम से कम नहीं यहाँ एक साल से आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो महाराज थे उनसे मैं मिला था, मैं बहुत संकट में था। अच्छा, तो उस संकट में था तो मैं उनके 3-4 दफा आए, और फिर बाद में उन्होंने मेरी मैंने जो मन्नत मांगी वो मेरी मन्नत पूरी हुई, और मैं फिर बाद में दोबारा फिर मेरे को एक साल से मेरे को रोज़गार नहीं मिल रहा था, काम वगैरह नहीं मिल रहा था। मैं टेंट डालता था, फेल हो जाता थे। फिर मैं यहाँ के तब रोने लगे, तमन्ना मांगी तो मेरे को 8 करोड़ का स्मार्ट मीटर का काम मिल गया। अच्छा, जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं यहाँ आता हूँ, और यहाँ महाराज जी आज चले गए, महाराज जी के चरण छू के जाता हूँ, करीब करीब मेरे तो सारे काम हो रहे हैं। पूर्णिमा, हर पूर्णिमा को यहाँ बहुत मेला बढ़ता है, और धुलंडी के दिन लोग बाग यहाँ पे कई प्रकार के गोटे करते हैं, सामने वगैरह होती है, सामने वगैरह करते हैं, यहाँ होती रहती है। ऊपर आप जब जाओगे किसी को खाना खाए बगैर और चाय पिए बगैर आने नहीं देते। अच्छा, तो भूखा नहीं जाता है, भूखा यहाँ नहीं जाता है, गुड़ और मोटी रोटी और दाल देते हैं,
बहुत लोग खा के जाते हैं। छोड़े और सब व्यवस्था है। इनकी इनके लाख हजारों आदमी यहाँ रुक सकते हैं, कोई चार्ज नहीं। और पूर्णिमा के एक दिन पहले वहाँ पे सत्संग होता है। तो यहाँ बहुत जानकारी दी थी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। थैंक यू। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ऊपर निकलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जो ऊपर वाला मंदिर है वहाँ पे क्या है ना। यहाँ पे क्या बहुत सारी गोटे वगैरह का आयोजन करा जाता है और जो भी श्रद्धालु आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो यहाँ पे इस तरह से ये खड़ा हुआ और चिमटे हैं तो ये वहाँ पे चढ़ा के जाते हैं चढ़ावे के रूप में। और यहाँ की मान्यता ऐसा है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो मानते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट भी होता है तो इसीलिए यहाँ पे ये सब चढ़ावा चढ़ाया जाता है। चलो नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। यहाँ पर पहुँचने से पहले हम लोगों ने रास्ते के अंदर एक जंगल वाला एरिया पड़ा था जिसके अंदर ऑफ रोडिंग करी थी। मतलब मैंने पहली बार इतना भयंकर तरीके से ट्राई किया होगा, मतलब ऑफ रोड ट्राई किया हुआ है लेकिन इस टाइप से जंगल में नीचे काटे काटे बचे हुए थे। तो एक बार वो क्लिप देख लीजिए फिर उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बस इधर से लेके चलूं। ओके, तो वहाँ से थोड़ा सा रोड से इधर साइड में आए हैं ऐसे फोटोग्राफी करने के लिए। यहाँ पे अभी फोटो सेशन चल रहा है, आप फोटोज़ देखने के लिए जा सकते हैं इसके इंस्टाग्राम हैंडल पे। ओके, ये सब लोग यहाँ पे देखने के लिए आ गए हैं कि भाई साहब ये कौन से जानवर आ गए हैं यहाँ पे। ये सब कितने देखो कितने शिद्दत से देख रहे हैं, सारे के सारे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तो थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं क्योंकि अब वापस गाड़ी को नीचे उतारना है। बहुत ही घटिया तरीके गंदे तरीके से उतारा। और अब यहाँ से निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पड़ा है हमारे घर से। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और अगर आपको कोई भाई बंधु है जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ
जिसको मोटो ब्लॉग और ये सब चीज़ें पसंद है तो उससे शेयर जरूर कर देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे और जो वीडियोस हैं उनके लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे और हम सबको इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।